लुधियाना पहुंचे शिरोमणि अकाली दल के प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने पंजाब के मौजूदा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पंजाब में सरकार नाम की कोई चीज नहीं है, जगह जगह नशा बिक रहा है, सरकार इस पर लगाम लगाने में नाकाम साबित हो रही है। साथ ही सुखबीर बादल के इस बयान पर कांग्रेस के जिला प्रधान अश्विनी शर्मा ने कहा कि मैं कैप्टन साहब दे इस प्रोग्राम ते मैनू बड़ी हैरानी होंदी है कि कैप्टन साहब ने तो कहा सी मैं 4 हफ्तों च ड्रग खत्म कर दूंगा, अज 2.5-3 साल होने वाले है। जिन्नी ड्रग्स वध गई है पंजाब च, इहदा वड्डा कारण है क्योंकि इहदे सरकार नां दी कोई चीज़ नहीं, पोलिटिकल कंट्रोल है नहीं, अफसरशाही काम चल रही है, कई थानेदार नाल रले है, पुलिस नाल थले लड़ी रली है। सो क्योंकि जे कंट्रोल ही है नहीं, सरकार ही है नहीं, आ सारा कुछ वध गया है। सो इस करके कैप्टन साहब पहले अपना सरकार चलाओ, सरकार चला के कंट्रोल करो, एन स्लोगन देने दिन मनाउन दा कोई फायदा नहीं, प्रैक्टिकली काम करके। मैं वही कह रहा कि कैप्टन साहब बिल्कुल फेल है, तो जै जै हालात चल रही है अगले 2 साल जिस तरीके ड्रग्स बढ़ रहे हैं तो मैं लगता है बहुत बुरी हालत पंजाब की हो जानी है। आ सारी जिम्मेवारी कैप्टन साहब के अपने सिर पर होगी क्योंकि उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन इनकॉम्पिटेंट एडमिनिस्ट्रेशन है, उन्हें उन्होंने सरकार चलाने के तरीके ने बर्बादी लिया है। एंटी ड्रग दे उत्ते पंजाब सरकार सैमीनार भी करवा रही है और मैं जिला कांग्रेस कमेटी लुधियाना वालों सारे शहर वासियों को अपील करूँगा कि जिथे जिथे ये वैसे तो पंजाब सरकार ने जो साडे कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री है उन्होंने संकल्प लिता होया और सारी सरकार इस पासे लगी हुई कि असी ड्रग जो सी खत्म करके सह लवेंगे और 90% खत्म भी हो चुकी जी कि रही है। मैं लुधियाना शहर के वासियों को कहूँगा कि वो दसन नेड़े दे पुलिस थाने दसन, जे पुलिस नहीं दसना तो सानू कांग्रेस कमेटी के अहदेदारों दसन ताकि असी उत्ते जिथे भी यही कार्रवाई करवा सकी है।